तो गाइज़ आज का हमारा वीडियो स्नैपसीड एडिटिंग पर होने वाला है। तो यानी गाइज आज हम स्नैपसीड से यहाँ पे कमाल की फोटो एडिटिंग करने वाले हैं। तो गाइज स्क्रीन पर जो फोटो आपको नज़र आ रही है, तो गाइज इस टाइप की फोटो यहाँ पे हम स्नैपसीड से एडिट करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि आप भी किस टाइप से ऐसी फोटो एडिटिंग कर सकते हो। तो गाइज इस टाइप की फोटो एडिटिंग को सीखने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, वो भी बिना स्किप किए। तो गाइज अभी तक आपने एडिटिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे से रेड वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको मिलती रहे। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइज अपना वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आपको इस वाली फ़ोटो को हम यहाँ पर एडिट करेंगे। तो इस वाली फ़ोटो को आपको यहाँ पर स्नैपसीड ऐप में इम्पोर्ट कर लेना है आपको। तो स्नैपसीड ऐप में आपको यहाँ पर शेयर कर देना है। तो स्नैपसीड ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप इसे प्ले स्टोर पर से भी फ्री डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद में गाइज अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ही ऑप्शन आपका यूज होने वाला है, तो आपको पेंसिल वाले ऑप्शन पे यहाँ पे टैप करना है। टैप करने के बाद आप यहाँ पे बहुत सारे टूल्स यूज कर सकते हो। अगर आप अपनी फ़ोटो को क्रॉप करना चाहते हो तो यहाँ पर क्रॉप भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरी फ़ोटो की साइज़ थोड़ी बड़ी है तो मैं इसे यहाँ पर थोड़ा सा क्रॉप कर लेता हूँ कुछ इस टाइप से। तो मैं फ़ोटो को यहाँ पर क्रॉप कर लिया। क्रॉप करने के बाद मैं यहाँ पे हम फोटो को एडिट करेंगे। तो यहाँ पे हम दो या तीन टूल्स हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं जिससे यहाँ पे फ़ोटो को बहुत शानदार तरीके से हम यहाँ पे एडिट कर लेंगे। तो इसके लिए आपको वापस पेंसिल पे जाना है और आपको नीचे की तरफ डबल एक्सपोजर पे क्लिक करना है। डबल एक्सपोजर पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे नीचे एक फ़ोटो अपलोड के लिए ऑप्शन नज़र आ रहेगा जिस पर प्लस वाला आइकन नज़र आ रहेगा उस पर। तो आपको इस पर टैप करना है इस वाला आइकन पर और यहाँ से एक बैकग्राउंड आपको इम्पोर्ट कर लेना है। तो जिस बैकग्राउंड को आपको इम्पोर्ट करना है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप सिंपली वहाँ से आप जाके डाउनलोड भी इसे कर सकते हो। तो ये बैकग्राउंड हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। अब आपको बैकग्राउंड देख सकते हो कि किस टाइप से थोड़ा सा आपको यहाँ पे ओपेसिटी बैकग्राउंड के यहाँ पे कम नज़र आएगी। तो आपको क्या है कि फ़ोटो को बैकग्राउंड को कुछ इस टाइप से जितना आप सेट करना चाहो उतना सेट कर सकते हो। तो इस टाइप से हमने बैकग्राउंड को सेट कर लिया और आपको नीचे एक डॉट टाइप का आपको निशान नज़र आ रहा होगा, एक ड्रॉप टाइप का, इस पर आपको क्लिक करना है और इसकी आपको ओपेसिटी पूरी 100% कर देनी है और यहाँ से आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद में गाइज अब आपको ऊपर शेयर वाले ऑप्शन के पास एक बैक टाइप का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, तो आपको इस पर टैप करना है और यहाँ से आपको व्यू एडिट्स पे चले जाना है। व्यू एडिट्स पे चले जाने के बाद में डबल एक्सपोजर पे क्लिक करना है ब्लू वाले आइकन पे और यहाँ से आपको ब्रश वाला आइकन को सेलेक्ट करना है। इसमें गाइज आपको क्या करना है, आपको नीचे वाली देखो आपको नीचे ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, इनको आपको पूरा यहाँ पे सेम रहने देना है, इसमें कोई आपको चेंज नहीं करना। फोटो को आपको जूम करना है और आपके कुछ स्टेप से ड्रॉ कर लेना, जिससे क्या है कि आपके बैकग्राउंड आपकी फ़ोटो के यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो फ़ोटो को आप जितना जूम करके करोगे उतना परफेक्ट तरीके से आपका यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है बैकग्राउंड को। गाइस ये बैकग्राउंड को चेंज करने का सबसे परफेक्ट और सबसे आसान तरीका है। इसमें आपको कोई बैकग्राउंड रिमूव करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा बैकग्राउंड यहाँ पर सेट कर सकते हो आपकी फ़ोटो के ऊपर। तो गाइज मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे जल्दी से ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा यहाँ पे ना हो। तो गाइज आप देख सकते हो कि हमारा बैकग्राउंड यहाँ पे परफेक्ट तरीके से सेट हो चुका है। अब आपको यहाँ से राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद में आपको कॉर्नर पे बैक चले जाना है। बैक चले जाने के बाद में गाइज अब हम यहाँ पे एक टूल्स या दो टूल्स यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट वाले टूल्स को सेलेक्ट करना है और आपके फेस को यहाँ पे सही कर लेना है, यानी फेस को आपको ब्राइट कर लेना है थोड़ा सा। इसकी ब्राइटनेस को आपको 40 के आसपास बढ़ा देना है। कॉन्ट्रास्ट को आपको यहाँ पे 10 पे कम करना है। सेचुरेशन को प्लस 15 के आसपास बढ़ा देना और स्ट्रक्चर को भी आपको हल्का से यहाँ पे 15 के आसपास बढ़ा देना है। इसके बाद में आपको कपड़ों में भी आप अगर चेंज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। तो आपको कपड़ों में थोड़ी सी कलरनेस बढ़ानी है तो सेचुरेशन को बढ़ाना है और थोड़ी सी स्ट्रक्चर को बढ़ाने से आपके कपड़ों की डिटेल्स यहाँ पे अच्छी तरीके से शो हो जाएगी।
तो ये चीज़ें बढ़ाने के बाद में आपको थोड़ा सा इसको यहाँ से राइट डन करना है। राइट डन करने के बाद में देख सकते हो गाइस आपकी फ़ोटो यहाँ पे चेंज हो चुकी है। प्लस वाला आइकन पे जाना, और अगर ब्राइटनेस और बढ़ाना चाहते हो फेस का तो आप वही ब्राइटनेस को थोड़ा सा इंक्रीज करके उसको राइट क्लिक करना था। तो गाइस जब हम यहाँ पे एक टूल्स और यूज करने वाले विगनेट वाला, तो विगनेट पर चले जाना है आपको। उसके आपके कॉर्नर पर थोड़ी सी आप डार्क शेडो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इस टाइप से आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे सेट करके इसको राइट क्लिक कर देना। तो गाइस आपकी फ़ोटो यहाँ पे कम्प्लीटली एडिट हो चुकी है, और कोई टूल्स आपको यहाँ पे यूज करने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस इसको आपको डन कर देना है यहाँ से, जिससे आपकी फ़ोटो यहाँ पे सेव हो जाएगी। तो गाइस अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो गाइस मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तक के लिए बाय बाय।